खबर गाजीपुर से जहां डीएम मारिका खोरी व एसपी ओमी सिंह ने आगामी त्योहार दुर्गा पूजा दशहरा दीपावली एवं छठ पूजा के दृष्टिगत पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पीस कमेटी की मीटिंग किया। इस मीटिंग में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु मूर्ति पूजा आयोजक व्यापार मंडल के लोग तथा संभ्रांत नागरिक गण मौजूद थे। मीटिंग में एसपी द्वारा त्योहारों के दृष्टिगत लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनसे संवाद किया गया तथा आगामी त्योहारों को सरकार के गाइडलाइंस के साथ शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने के लिए सभी से अपील की गई। एसपी द्वारा लोगों से अपील की गई कि पूजा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पंडाल में सुरक्षा उपकरण सीसीटीवी कैमरे पानी इत्यादि की व्यवस्था रखें। आगामी दशहरा पर्व और नवरात्र में दुर्गा पंडाल लगते हैं सर, तो क्या स्थितियां सर और कितने पंडाल लगेंगे, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे? अब से लेके और छठ तक, क्योंकि एक अनवरत श्रृंखला है जो धार्मिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार इस दौरान होंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक की गई थी। उसमें पूरे जनपद से गणमान्य व्यक्ति आए थे, जो दुर्गा पंडाल लगते हैं उनके आयोजक गण आए थे, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। लोगों से कुछ समस्याएं पूछी गई, उनके द्वारा जो जो समस्याएं बताई गई हैं उनका निराकरण करा लिया जाएगा समय रहते हुए। और विशेष रूप से जो माँ दुर्गा के पंडाल लगेंगे, करीब 456 पंडाल लगते हैं, और उन सभी जगह लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि आजकल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में यूज़ हो रहा है। लोगों से अपेक्षा की गई है कि उससे अपने पंडाल को आच्छादित करें। इसके साथ साथ यद्यपि कोई दुर्घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्घटनाओं पर किसी का वश नहीं होता है, उनसे बचाव के भी उपायों के बारे में उनसे चर्चा की गई है। और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, जैसे गाजीपुर की पूरा इतिहास रहा है, अभी तक सभी त्यौहार सभी लोगों ने मिलजुल के मनाए हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों ने मनाए हैं। उसी तरह से उम्मीद है कि ये जो हमारी पूरी श्रृंखला है माँ शारदीय दुर्गे से लेके और छठ तक के त्यौहार जो हैं, जिसमें मुख्य रूप से दशहरा भी है, दीपावली भी है, सभी बहुत ही उमंग और उत्साह के त्यौहार हैं, मनाए जाए। सुरक्षा की व्यवस्था हर जगह हमारी पुलिस मुस्तैद है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों का पूरे क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को सीसीटीवी से आच्छादित करने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके तहत करीब जनपद में 14,000 के करीब हम कैमरे लगा चुके हैं। इसके अलावा मिशन शक्ति का फेज 4 भी कल से शुरू होने जा रहा है, उसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली है। उस पर मुख्य फोकस हम लोगों का जो नौ दुर्गे के पंडाल हैं वहाँ आने वाली माता बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और उसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था, पेट्रोलिंग भी रहेगी। उसी हिसाब से हम अपना जो पीआरवी व्हीकल्स हैं उनका भी रूट बदल रहे हैं, जो इस तरह के हॉटस्पॉट और सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे हम उन्हें रखेंगे। इसके अलावा हमारी पिकेट ड्यूटी और निरंतर गश्त रात में भी रहेगी, क्योंकि प्राय ये देखा गया है कि देर रात्रि तक माताएं, बहनें और लोग आवागमन बना रहता है सड़कों पर, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। एंटी रोमियो भी तैनात? यस, हर थाने में समस्त हमारे 26 के 26 थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड बने हुए हैं, जनपद स्तर पर ही बना हुआ है। इसके साथ साथ महिला थाना को भी अलग से निर्देशित किया गया है कि पूरे जनपद के सभी पंडालों पर वो अपना घूमती रहेंगी और चेक करती रहेंगी, कहीं किसी भी जगह कहीं सौदे किस्म के लोग या इस तरह की शिकायत आती है उस पर प्रभावी कार्रवाई की।